गाइस हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं हम लोग। पोस्ट हमारा सब कुछ डन हो चुका है, पेमेंट वगैरह हमने सारी कुछ दे दी है। अभी बस फाइनली वेट करते हैं हम अपनी बाइक का, बिकॉज अभी वो अंदर गई है ना। बताना गाइस कौन सी गाड़ी है, कमेंट करो गाइस। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी न्यू बाइक पर भाई साहब। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज है न्यू ईयर, एक तारीख आज, और आज हम लोग कुछ सरप्राइज लेकर के आ रहे हैं आपको, वो मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे अभी भी काम चल रहा ना, तो मैं छत के ऊपर ही अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूं। आज की शुरुआत भी ठंडे से हो रही है, जो कि मैं आज नहाया हूं। देखो नया साल था तो नहाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रेडी वगैरह हो चुका हूं, अभी कपड़े वगैरह चेंज करने, अभी जैकेट वगैरह कुछ और पहन के आऊंगा, बिकॉज आज थोड़ा सा स्पेशल है, आज न्यू ईयर है ना, तो कुछ स्पेशल सी चीज करते हैं आप लोग की, वो सब आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। वैसे तो आप लोग को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा, बट गाइस अभी मैं मिलाऊंगा अपने घर वालों से। बाकी मैं सिर्फ अकेला ही ऊपर हूँ, बिकॉज मेरे को ब्लॉग शुरू करना था ना, इतनी ज्यादा नीचे शोर हो रही है ना कि मैं नीचे ब्लॉग शुरू कर ही नहीं सकता। तो मैं नीचे ज्यादा बात बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यार इतना शोर होता ना, बैकग्राउंड नॉइस आती तो अच्छा नहीं लगता। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत ज्यादा बधाइयां। तो गाइस ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुका हूँ, एंड यहाँ पर जिया जी भी आ चुके हैं, जो कि बारात लेके आने वाले हैं कुछ दो चार दिनों के बाद, बट ये भी आ चुके हैं हमारे घर पे। तो कैसे हो, बढ़िया आप? बढ़िया। दीदी भी रेडी हो चुकी है, बिकॉज दीदी को थोड़ा काम था। और बाकी गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ आज न्यू ईयर के टाइम पर। मैं आपको बता दूँ कि गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं हम लोग। मैंने आपको इंस्टाग्राम में पूछा था कि मैं कौन सी बाइक लूँ, तो गाइस आप लोगों ने MT के बारे में तो बहुत बोला था, बट MT इज नॉट कम्फर्टेबल फॉर माई दीदी एंड जीजा। अगर मैंने इंग्लिश ठीक बोली हो तो ठीक है, वरना तो इग्नोर कर देना। आई थिंक अपाची लेने जा रहे हैं, उसकी डिलीवरी आज हमारी, बिकॉज आज हमें लेना ही था, बिकॉज चार दिन बचे तो हमें गाड़ी पहले से ही लेकर के आनी है। तो बस हम लोग रेडी तो हो गए, बस अभी यहाँ से निकलना और वहाँ से गाड़ी लेकर के आनी। तो मैं आज पूरे ब्लॉग में यही चीज़ दिखाने वाला हूँ कि हम लोग दीदी को जो बाइक दे रहे हैं वो कौन सी है, और आप लोग को ये सब पता चल जाएगा आज के दिन में। तो बस गाइस इन पैसों से आने वाली बाइक, जो कि आप लोग देख लो भाई, इतने हैं, मतलब इतने में पूरी बाइक आ जाएगी, तो सोच लो ये कितने हो सकते हैं। घर जाएंगा ब्रो, ऑलमोस्ट बाहर भी मैं निकल गया हूँ। और बाकी हमने हेलमेट और माउंट वगैरह ले ली, बिकॉज नई वाली बाइक है ना, वो हम चला करके लेके आएंगे। और बाकी मम्मी गुड मॉर्निंग। कैसी बनी हुई है यार मम्मी, मुंह भी नहीं धुला गया। चलो सही है। बाकी गाइज यहाँ पे देखो आलू आलू सब आ गए, शादी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। गाइज मैं दिखाता हूँ और क्या क्या काम चल रहा है घर पे। देखो भाई नल वल का काम चल रहा है यहाँ पे, पूरा टूट रहा है, चाचा लोग लगे हुए हैं भाई, मस्त। हमारी न्यू बीस्ट देखो गाइज, न्यू रैप हुआ है अभी, इस पर पूरा काम नहीं हुआ है। बाकी आप देख लो कितनी सही लग रही है, सामने से दिखाता हूँ भाई। बताना गाइज कौन सी गाड़ी है, कॉमेंट करो गाइज। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, फाइनली घर से तो निकल गए थे, बाकी अभी मैं रुक गया था फोन को माउंट वगैरह करने के लिए। सबसे पहले तो अपने को डलाना है तेल, बिकॉज अपनी गाड़ी पे तेल है नहीं, और जाना है दूर, क्योंकि तीन चार दिनों से मैंने बाइक भी नहीं चलाई और ब्लॉग मेरे इसीलिए नहीं आ रहे थे। मैंने एक स्टोरी में डाल भी दिया था इंस्टाग्राम में, भाई अपने अभी ब्लॉग नहीं आएंगे बिकॉज अपना फोन थोड़ा टूट गया था। टूट जाएगा तो फिर भाई इम्पॉसिबल है ना ब्लॉग आना, तो अब रेगुलर हमारे ब्लॉग आएंगे। और घर पे जितनी भी तैयारियां हो रही है ना शादी की, गाइस फुल मजा आने वाला है। और अपनों को तेल डलाना था पहले, दीदी पता नहीं कहाँ चली गई है भाई, कहाँ गए। दीदी कहाँ चली गई यार, भाई तेल नहीं हुआ तो फिर अपने लोग जाएंगे कैसे, पूरा पेमेंट तो दीदी के पास है। अभी हम लोग पहुंचे थे पेट्रोल पंप में और अभी हम लोग डला रहे तेल। मैं बस गाड़ी चलाता हूँ, बाकी मैं मिलता हूँ आपको सीधे शोरूम में, वहीं पर ही गाड़ी वगैरह दिखाऊंगा आपको कौन सी गाड़ी है। बाकी चलते हैं, फिलहाल दीदी जीजा लोग निकल गए हैं, बाकी मैं मिलता हूँ डायरेक्ट शोरूम पे ही। गाइस गाइस देखो कौन कौन पहुंच गया, दीदी जीजा एंड प्रिया भी आई है साथ में भाई। फिलहाल में हमारा ये पहला ब्लॉग है, तो माई फर्स्ट ब्लॉग, एंड प्रिया को पहले बोल देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ऑडियंस को भी बोलो ना हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। काफी लोगों ने बोला भी था कि न्यू ईयर में चले जाना साथ में, तो हम लोग देखो आज न्यू ईयर में साथ भी हैं और गाड़ी की डिलीवरी भी ले रहे हैं साथ में। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे गांव वालों को लेकर के आ जाएं, बट जगह नहीं थी ना गाइस इतनी यहाँ पे, क्योंकि शोरूम थोड़ा छोटा हो गया ना। बाकी हम गांव वालों को भी लेकर के आ जाते, बाकी हम पांच जने आए हैं, तो मैं बाइक दिखाता हूँ सबसे पहले तो आपको। ट्रैक्टर ट्रॉली ले आते हैं तब तो आ जाते गांव वाले। अब तुम्हारे गाँव से लेके आएंगे ना सारे पैसे इस झोले में गाइस, 150 रुपए वाले झोले में सारे पैसे गाइस, तो इसको हम पता कैसे लटकाएंगे ऐसे। चोर चोर आ गई गाइस, चोर भैया आ चुके हैं और हैप्पी न्यू ईयर भैया।
हैप्पी न्यू ईयर सभी को। पलटन आ चुकी है, देखो मैंने बोला था एक दो ट्रक ट्रक भर के और आ जाते तो बस काम हो जाता यहीं पे। चले भाई गेट एंट्री रिबन रुबन लाओ भाई कैची कुची। रोकड़ा तेरा घर जाएगा ब्रो। बाहर जाने की नहीं है। देखो गाइस कैसे कर रहे हैं, बाहर जाने को बोल रहे हैं। अभी आ रहा है। नहीं नहीं अरे बैठो यार, चाय कॉफी लाते हैं आपके लिए। अभी हम शोरूम के अंदर तो आ गए, अभी बस पेपर वर्क का काम है, बाकी फिर हम लोग डिलीवरी ले लेंगे अपनी बाइक की। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी अपनी बाइक कौन सी है। मेरी बेइज्जती अब करेगा। गाइस जिनकी इज्जत नहीं होती ना उनकी बेइज्जती नहीं करी जाती, मतलब कैसे बोलते हैं जिनकी इज्जत, जैसे कि तुम्हारी नहीं, तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करते रहता हूं, तभी मैं बोल रहा हूं जिनकी इज्जत नहीं होती भाई तो उनकी बेइज्जती क्या, उनको तो कुछ भी बोल लो ना। क्या कि जो हम बाइक ले रहे थे वो लोग हम लोगों ने वो कैंसिल कर दी, और दीदी के लिए हमने नई बाइक देखी है जो कि ये है, जो कि बहुत ज्यादा माइलेज वाली है। जीजा जी भी खुश हो रहे हैं बाकी। बिल्कुल। ऑलमोस्ट पेपर वर्क वगैरह हो गए हैं, अभी फाइनल पेमेंट वगैरह देनी है, फिर उसके बाद गाड़ी की डिलीवरी हमारी और न्यू ईयर पे गाड़ी। गाइस कितनी खुशी की बात है यार, बाकी कितनी सारी गाड़ी खरीदी, बाकी देखो सिनेमैटिक ले रहा गाइस हमारी। मैंने बोला काढ़ा है तो मैंने दीदी को दे दिया, अभी दीदी बताएं कैसी है। अच्छी है बस, कर दी बेइज्जती है काढ़ा। ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ डन हो चुका है, पेमेंट वगैरह हमने सारी कुछ दे दिया, अभी बस फाइनली वेट करते हैं हम अपनी बाइक का, बिकॉज अभी वो अंदर गई है ना उसमें एसेसरीज वगैरह लग रही है और वॉश वगैरह होकर के आएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल लुक अपनी बाइक का। मतलब बाइक है 160, अराउंड हमको पड़गी 162,000 समथिंग है ना। हाँ 162,000 की हमें पड़ी है ये बाइक, और बाकी काफ़ी सारे मॉडल यहाँ पे रखे हुए हैं, बाकी बस अपनी बाइक का वेट करते हैं फिर हम लोग जाएंगे अपने घर पे। तो काफ़ी टाइम लगेगा इस, पूरी सुबह से शाम हो गई है, बस हम बाइक का वेट करो। और मेरी बाइक देखो गाइस बाहर खड़ी है। अभी फाइनली अपनी बाइक आ चुकी है और बाइक है ये, और बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी आप लोग को डिलीवरी मिल चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन दीजू। कैसी लगी बाइक? बढ़िया है। तो सभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और बाइक कवर क्या है भाई, दीदी को कवर पसंद नहीं आया। हमें अभी TVS की तरफ से मिला एक हेलमेट गिफ्ट में, और थैंक यू सो मच TVS। बाकी सर्विस की तो बात करूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें यहाँ पर, और बस अभी चलते हैं, बाइक हमारी बाहर आ गई है। निकल रहे हैं यहाँ से फ्यूल पंप के लिए, बिकॉज इसमें तेल तो देंगे नहीं वो लोग, तो हमको सबसे पहले डलाना पड़ेगा इसमें तेल, और मेरे साथ प्रिया जा रही है, तो ये रही प्रिया। चलो ये लो हेलमेट, मैं पहन रहा हूँ, ये दवाई लो। प्रिया दवाई लेने आई थी ना, तो यहीं से मैंने कहा कि साथ साथ में बाइक की भी डिलीवरी ले लेंगे न्यू ईयर में, तो पहले चलते हैं फ्यूल डलाते हैं। पहला फ्यूल नई नई गाड़ी पे। गाइस अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी न्यू बाइक पर भाई साहब, और प्रिया हमारे साथ बैठी है न्यू बाइक पर। हमने फाइनली आज अपनी बाइक की डिलीवरी ले ली है भाई, क्या पावर है और भाई क्या भागती है। और अपने साथ अपनी दूसरी बाइक ड्यूक भी चल रही है, वो थोड़ा आगे, बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो दूसरी बाइक कहाँ है हमारी। बाकी दीदी और जीजा जी लोग भी आ चुके हैं, तो वो आगे आगे निकल गए, बाकी अपनी दूसरी बाइक ये जा रही है। ओ भाई न्यू बाइक फाइनली गाइस, न्यू ईयर में न्यू बाइक। ओ भाई क्या हाल चाल, भाई ऐसे जाती है ना बिल्कुल बुम बुम। बाकी गाइस अभी इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो अपने इन फ्यूचर आवाज़ भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काफ़ी भागने में तो काफ़ी पावर है भाई। बाकी गाइस मैं आपको बता दूं कि काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, इतने टाइम बाद मोटो व्लॉग भी कर रहा हूं मैं, और आई होप कि आप लोग को आवाज़ पूरी पूरी प्रॉपर आ रही होगी। क्या मस्त फीलिंग आ रही है यार। भाई साहब पावर बहुत ज़्यादा है भाई, धीरे धीरे चलेंगे बिकॉज न्यू बाइक है।
हाँ यार, मैंने ग्लव्स तो पहने नहीं, ग्लव्स वगैरह मैं सब कुछ लेकर के आया था, बट मैंने ग्लव्स अभी पहने नहीं है। दीदी लेकर के चले गई, दीदी हैं आगे और प्रिया और मैं एक साथ ही हैं। तो प्रिया बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें इस बाइक पे बैठ के? अच्छा, इनको तो भाई, इनको भाई ठंडा लग रहा है और बोल रही कि मुझे जैसा लगता है वैसा ही लग रहा है, कुछ इनको खुशी नहीं है इस बाइक की। पता नहीं इस पे कितने गियर हैं गाइस, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है ये गाड़ी। और मैंने गाइस इस पे तेल डलाया है फिर भी इसका ये टिम 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 हो रहा है भाई, हाथ लाल हो रहे हैं भाई, ठंडी बहुत है यार। ग्लव्स दीदी ने ले लिए। चलो गाइस फटाफट से पहुँचते हैं, बाकी प्रिया को छोड़ते हैं, बिकॉज अभी प्रिया को अपनी दीदी के घर पर भी जाना है ना, तो प्रिया को मेरे को जल्दी छोड़ना है बिकॉज सुबह से शाम हो गया। अभी हम लोग पहुंच गए झनकट, झनकट में अभी प्रिया को छोड़ते हैं और प्रिया करते हैं बाय बाय, फिर मैडम मिलते हैं फिर, ठीक है? बाय बाय, चलो बाय 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 बाय। फिर अपने भाई के साथ चली जाएंगी अपने दीदी के घर पे और हम लोग जा रहे हैं, चले भैया। तो अभी घर पर तो पहुंच गए और बाइक वगैरह भी हम लेकर के आ गए, ये रही अपनी बाइक। बाकी इस पर जो तिलक वगैरह होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, होप करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं इसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ मस्त खुश एंड गाइस वीडियो को शेयर कर देना जरूर से जरूर, और बाकी नेक्स्ट ब्लॉग भी तबाही होगा। बाकी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।